नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओमवीर त्यागी फिजिसिस्ट पर। आपको बताना चाहता हूँ कि टॉप 10 क्वेश्चनों की वीडियो लेकर आए हैं जो कि जनरल साइंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं हर एग्ज़ाम के लिए। तो बढ़ते हैं आज के लिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? तो बताइए, यूरिया होता है, अमोनिया होता है, यूरिक अम्ल होता है या अमोनियम नाइट्रेट होता है? तो बिल्कुल सही ऑप्शन है फर्स्ट, यूरिया। यूरिया इसका करेक्ट आंसर है कि मनुष्य के शरीर से जो अपशिष्ट निकलता है उसमें यूरिया होता है। स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं, इनसे यूरिया बनाते हैं, कौन सा है इनमें से? यहाँ पर ये गलती है, इनसे लिखा हुआ है, इसका मतलब है इनमें से कौन यूरिया बनाता है? तो यकृत यानी कि लीवर, गुर्दे यानी कि वृक्क, प्लीहा यानी कि तिल्ली और मूत्राशय नली, इनमें से सही ऑप्शन है लीवर। हमारा जो लीवर होता है यानी कि यकृत होता है, वो खाने को भोजन को पचाता है और साथ ही अपशिष्ट पदार्थ बाहर आगे की ओर बढ़ता चला जाता है जिसके अंदर यूरिया उत्पन्न हो जाता है। आगे जाएंगे, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अधिवक्र या अवटु ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या अग्नाशय? तो इसका सही आंसर है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मनुष्य में रुधिर छनता है यानी कि हमारा जो खून होता है वो कहाँ पर छनता है? फेफड़ों में, बोमेन संपुट में, कुंडलित नलिकाओं में या मूत्रवाहिनी में? तो सही आंसर है इसका बोमेन संपुट में। बोमेन संपुट में क्या होता है, हमारा रक्त छनता है। मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका आंसर है सही आंसर है इसका यूरोक्रोम। कौन सा आंसर है? यूरोक्रोम। तो आगे बढ़ते हैं, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, गुर्दे किसकी तरह से कार्यात्मक यूनिट है, मतलब कि किस तरह से कोई भी चीज़ जैसे काम करती है तो उसका यूनिट होता है। जैसे कि एक लंबाई को नापते हैं तो लंबाई का यूनिट होता है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सब क्या है, मीटर में लंबाई की यूनिट है, यानी कि हिंदी में कहें तो मात्रक हैं, लंबाई की मात्रा। उसी प्रकार से गुर्दे का मात्रक कौन सा यानी कि यूनिट कौन सा है? तो इसका सही आंसर है नेफ्रॉन। कौन सा है? नेफ्रॉन है इसका सही आंसर। आगे बढ़ेंगे, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला परासरण, दूसरा विसरण, तीसरा डायलिसिस और चौथा सक्रिय परिवहन। तो इसका सही आंसर है डायलिसिस। डायलिसिस सही आंसर है इसका। आगे बढ़ेंगे, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो मूत्र में पाई जाती है सबसे ज़्यादा मात्रा। आगे बढ़ेंगे, अपोहन यानी कि डायलिसिस का प्रयोग किसको पूरा करने के लिए होता है? तो वक्र को पूरा करने के लिए होता है इसका प्रयोग। आगे, स्वेदन निम्न में से कौन महत्वपूर्ण है स्वेदन के लिए? तो शरीर के तापमान को विनियंत्रित करता है वह स्वेदन प्रक्रिया कहलाती है। तो आज के लिए हमारे ये क्वेश्चन थे, बाकी की वीडियो हम कल देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, तथा अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।